नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। 9:34 का समय हो गया है और हम हैं सिंगू बॉर्डर पे और डेट है आज 19 सितंबर। आप सब जानते हैं मॉर्निंग में ब्लॉग शुरू करते हैं, मगर आज हम कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर से 9:34 पे अपना वीडियो शुरू। और आज जो हमारा ब्लॉग है दोस्तों, वो वाया मनाली होते हुए लेह लद्दाख का है। आज हम आपको नॉन स्टॉप दिल्ली से लेह लद्दाख करके दिखाएंगे, जिसमें हम ब्रेक तो लेंगे मगर हम रुकेंगे नहीं कहीं। हम कॉन्टीन्यूस गाड़ी चलाएंगे अपनी पूरी लेह लद्दाख तक। बहुत दिनों से हमारे कई भाई कह रहे थे एक बार लेह लद्दाख भी कर दीजिए, तो हमने सोचा कि इस साल आपको इधर से लेह लद्दाख करके दिखा दें। तो हम जब भी दोस्तों कोई सर्किट करते हैं जिसके 2 से 3 रास्ते होते हैं, तो हम उसे पूरा कवर करते हैं। तो हम इसका भी पूरा 360 व्यू बनाएंगे। व्यू मतलब मीन्स रास्ते का पूरा 360 कवर करेंगे। हम वाया मनाली ले जा रहे हैं 12 लच्छा वाले रोड से, और वापसी हमारी जो होगी वो वाया श्रीनगर होगी। तो हम आपको पूरा 360 करके दिखाएंगे और कंपेयर करके दिखाएंगे दोनों ही रास्तों को कि कौन सा रास्ता बेटर है लेह लद्दाख जाने के लिए। तो फिलहाल जहाँ पर हम हैं यहाँ से अभी भी 981 किलोमीटर दूरी है, यानी सिंगू बॉर्डर से लेह लद्दाख की दूरी 981 किलोमीटर है। तो देखते हैं 981 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमें कितने घंटे लगते हैं। दोस्तों लेह लद्दाख तो सभी करते हैं, मगर हम आपको लेह लद्दाख जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से कवर करके दिखाएंगे। हम मनाली के बाद आपको जितने भी स्टेशंस पड़ेंगे, बीच में जितने गांव पड़ेंगे, सिटीज पड़ेंगी छोटी, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से मीटर में, और वहाँ ऑक्सीजन लेवल में कितने इश्यूज हो रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि ले जाते हुए मनाली से आपको कहाँ बीच में उतरना चाहिए, कौन से पास सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, और कहाँ आपको नहीं उतरना चाहिए, गाड़ी से सीधे निकल जाना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। तो पहली बार नाइट में ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो आज ये ट्रैफिक भी देख रहे हैं, वरना तो हमने कभी इधर से देखा ही नहीं, उधर से ही आते हैं हम 9:10 करीब। तो पहले टोल प्लाजा पर हम पहुँच गए हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लॉग तो बहुत हैं, ले टू मनाली, दिल्ली से ले लद्दाख, मनाली टू ले, मगर ना कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है कि कहाँ हम उतरे हैं, कहाँ हम ना उतरे हैं, कितने किलोमीटर रोड ख़राब है। क्योंकि मैंने भी 3 दिन से लगातार वीडियोस काफ़ी देखी हैं, तो मुझे कोई भी सही जानकारी नहीं मिली। तो मेरे एक भाई हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं जयपुर के, वो भाई अभी लद्दाख करके आ ही रहे हैं, परसों वो लौटे हैं वो लद्दाख से, उनका 11 दिन का टूर था और श्रीनगर से वो गए थे और आए हैं मनाली से। तो उन्होंने हमें सही जानकारी दी कि सरचू से लेकर पांग के बीच में 60-65 किलोमीटर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्योर ऑफ रोड बोला उन्होंने मुझे। और ये भी बोला कि आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से हम अपना माइंड सेट कर पाए कि नहीं यार, हमारी जो टाइमिंग है हम उसे इस तरीके से लेकर चलना है कि अगर मैं ऑफ रोड पर भी चलना पड़ा तो हम लेट ना हों। तो पहले हम दिल्ली से लगभग 11:30 के आसपास निकलने वाले थे, मगर उनसे बात होने के बाद हमने अपनी टाइमिंग बिल्कुल चेंज कर दी और हम 1-1.5 घंटा पहले निकले हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारी वीडियोस में आपको थोड़ा अलग ये देखने को मिलेगा कि भाई एक तो हम दिल्ली से नॉनस्टॉप जाते हैं तो हमें कितना समय लगता है और क्या हम नॉनस्टॉप जा सकते हैं, और दूसरा आपको हर किलोमीटर प्लस हर बीच में जो भी सिटीज़ के बीच में सड़क का हाल है वो पूरी प्रॉपर जानकारी के साथ मिलेगा। कहाँ हमें उतरना है, कहाँ नहीं उतरना चाहिए, कहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कितनी ऊंचाई में, सब जानकारी आपको आज प्रॉपर इस वीडियो में मिलने वाली है। और यही हमारा मकसद है, और हमने सोचा भी था कि जिस दिन हम ले करेंगे तो उस दिन आपको प्रॉपर जानकारी के साथ ले बना के देंगे। तो फिलहाल निकल गए हैं और पहला टोल क्रॉस कर दिया, आगे आएगा पानीपत। तो 10:20 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं पानीपत। तो आज एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि जितनी बार भी हम मनाली जाते हैं, आप सब जानते ही हैं, हम बनूर हाईवे से जाते हैं जो अम्बाला लुधियाना हाईवे पे ठीक 10 किलोमीटर बाद, अम्बाला क्रॉस करने के ठीक 10 किलोमीटर बाद पड़ता है राइट कट, मगर आज हम जाएंगे वाया चंडीगढ़, क्योंकि इशू जो है वो किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर लॉक है हरियाणा पंजाब का, तो वो भी आज हमारा टाइम थोड़ा ख़राब होगा। तो देखते हैं वहाँ भी कितना समय लगता है। फिलहाल 10:21 हो गए और पानीपत क्रॉस कर रहे हैं। तो
दोस्तों पानीपत वाला टोल भी आ गया। तो नाइट में मैं आपको हाईवे कम ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया आप सब जानते ही हैं, डलोजी का बनाया है, उसमें मैंने पूरा रास्ता ये कवर किया था, आप सब जानते ही हैं। तो टोल कर दिया क्रॉस दोस्तों, और इसी के साथ दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे यहाँ आके ख़त्म हो चुका है, और अब हम नॉर्मल हाईवे पे, सिक्स लेन है, मगर स्पीड लिमिट कम हो चुकी है, 90 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है। तो रात को आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आराम से चलें। बेशक हमने कल शाम को 6 बजे तक पहुँचने का समय रखा है कि हम शाम को कल 6 बजे तक लेह लद्दाख पहुँच जाएंगे, मगर हमने कोई हड़बड़ी नहीं करनी। हम नॉन स्टॉप जरूर चल रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं है कि ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या गाड़ी को खींच रहे हैं। अगर यही करना होता लेह पहुँचने के लिए हमें, तो हम फिर और पहले चलते। तो हम एक नॉर्मल टाइम पर चल रहे हैं कि भाई अगर 9 घंटे दिल्ली से मनाली के मानो, तो वहाँ से 12 घंटे ले के मानो, तो हम बड़े आराम से ले कल शाम तक पहुँच जाएंगे। तो उसी हिसाब से हम फिलहाल गाड़ी चला रहे हैं। अब आगे आएगा करनाल, उसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र, और फिर हम पहुँचेंगे अम्बाला। तो टोल नंबर 3 आ गया मेरे भाइयों, टोल नंबर 3। तो सभी टोलों की डिटेल आपको मिलेगी स्क्रीन पे, और अभी भी अम्बाला से हम हैं लगभग लगभग 80 किलोमीटर दूर, और हमें 1 घंटा 3 मिनट हो चुके हैं, और हमने क्रॉस कर दिए हैं 85.6 किलोमीटर। तो बेशक रात को हाईवे तो मिलेगा खाली, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में ना अम्बाला से पहले 2-3 डाइवर्जन भी हैं, और आपको अपनी गति को इस हिसाब से रखना है कि भैया डाइवर्जन एकदम से आए तो आप सतर्क रहें, गाड़ी कंट्रोल कर सकें। आपने देखा एकदम से डाइवर्जन आ गया, और अम्बाला से पहले ये 2 या 3 पड़ेंगे। तो ये है कुछ स्थिति नाइट की दिल्ली अम्बाला हाईवे की, और आगे जो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे है उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो 4 लेन है, ये जब भी 6 लेन है। तो फाइनली दोस्तों बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हम 2 घंटे क्रॉस करके तब अम्बाला पहुँचे। सिंगू बॉर्डर से जो अम्बाला की दूरी है वो 174 किलोमीटर है, 175, और हम ठीक 175 ही चल दिए सिंगू बॉर्डर से। टाइम जो हो गया है वो हो गया 11:48, तो यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 मिनट लग गए हमें अम्बाला तक पहुँचने में। मैप हमने लगा लिया है, और मैप हमें कह रहा है भैया कि आप चंडीगढ़ की तरफ हो जाओ, तो हम मैप की सुनेंगे और चंडीगढ़ की तरफ लेफ्ट हो जाएंगे। और ये आ गया जी कट, और सामने वाला तो आपको पता ही है फिलहाल सूना पड़ा है हाईवे लुधियाना वाला। तो भैया मैं अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि भाई हमारे जो किसान भाई बैठे हुए हैं, जो भी रीजंस हों भैया ये रास्ता खुलवाओ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है इस रास्ते की वजह से ना। अब देखिए ये 4 लेन हो जाएगा चंडीगढ़ हाईवे, और इस पर ना रश देखिए आप कितना, सारे ट्रक यहीं से निकलते हैं रात को, अब बुरा हाल हो जाता है रात को, अच्छा दिन हो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे का बहुत बुरा हाल है दोस्तों। तो भैया ये सब लुधियाना हाईवे बंद होने की वजह से है, अपील है हमारी भैया के खुलवाओ इस रास्ते को किस तरीके से। तो फिलहाल है हम चंडीगढ़ हाईवे पे, और बताते हैं कितने किलोमीटर बाद, अभी दिल्ली से 183 आ गए हम सिंगू बॉर्डर से, कितने किलोमीटर बाद हमें लेफ्ट होना है। 30 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे मैप में अभी ना, 30 किलोमीटर बाद लेफ्ट होना है, 30 किलोमीटर बाद दिखा रहा है, देखते हैं बताते हैं हम आपको कि हम वाया चंडीगढ़ जाएंगे कि आप बाईपास लेंगे। तो 2 रास्ते बता रहा है दोस्तों, एक वाया सीधा जो करार पे निकलेगा, और एक थोड़ा लेफ्ट होके बता रहा है जो कि आपका लुधियाना हाईवे पे भी निकलेगा। तो वो तो शॉर्ट पड़ रहा है लुधियाना वाला, मगर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो समय ज़्यादा ले रहा है, और जो 5 किलोमीटर लंबा पड़ रहा है जो सीधे खरार के आसपास निकलेगा वो टाइम कम लगा रहा है, 12 से 13 मिनट।
मगर वो 5 किलोमीटर लंबा है, तो हम जाएंगे जिससे जो समय कम लगा रहा है। 10 किलोमीटर के आसपास हम इस पर चल चुके हैं। तो जिस रोड पे फिलहाल हम चल रहे हैं ये है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हाईवे है 4 लेन, तो पता नहीं किस हिसाब से ये एक्सप्रेसवे है। देख सकते हैं लुधियाना हाईवे के बंद होने की वजह से अब जो कट है इससे लेफ्ट होकर आप चंडीगढ़ हाईवे से लुधियाना हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस लेफ्ट कट का ही जाम है फिलहाल। तो ये लेफ्ट कट है दोस्तों, जो फिलहाल एक वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है आपको लुधियाना हाईवे से जोड़ने का। तो भैया टोल प्लाजा आ गया अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का, एक्सप्रेसवे का टोल हमने कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं अब चंडीगढ़ के लिए आगे। तो ठीक 7 किलोमीटर बाद हमें अब लेफ्ट होना है, इससे हम खरार के आसपास निकलेंगे और हमें चंडीगढ़ के अंदर से नहीं जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, हम आपको भी दिखाते हैं। तो अम्बाला से लेफ्ट होने के बाद ठीक ये पिछलो कट गया, आपने देखा ये 30 किलोमीटर बाद पड़ा है पूरा, यहाँ से आपको लेफ्ट होना है और ये जो लेफ्ट होके हम जाएंगे ना ये पूरा चंडीगढ़ को हमारे बाईपास कर देगा। तो भैया ये पड़ी है वहाँ से ठीक 30.9 किलोमीटर बाद कट पड़ा है और आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपको चंडीगढ़ को बाईपास करा देगा और हम भी यहाँ से लेफ्ट हो गए। तो फाइनली दोस्तों हम इस पर चले ठीक 22.7 किलोमीटर, जब से लेफ्ट हुए थे ना बिल्कुल सीधा आए, हम कहीं नहीं मुड़े और देखिए इसने हमें चंडीगढ़ मनाली हाईवे से डायरेक्ट लिंक कर दिया। तो कितना समय इसने हमारा बचाया और हमें यहाँ तक पहुँचने में पूरा 1 घंटा लगा है, मतलब जब हम अम्बाला पहुँचे थे उसमें अभी 3 मिनट है और हम 57 मिनट में यहाँ आ गए जहाँ से हम बनूर हाईवे से आते हैं। देखिए रूपनगर और लुधियाना के लिए स्ट्रेट लिखा आ गया। फाइनली अब हम चल रहे हैं रूपनगर हाईवे पे, आगे जाके आएगा आपका कीरतपुर साहिब वाला कट और वहाँ से फिर हम हिमाचल के लिए राइट हो जाएंगे और आगे जाके जुड़ेंगे फिर हम सभी टनल से। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं कि अब बहुत जल्दी मंडी का भी हाईवे शुरू हो जाएगा, बाईपास बन चुका है, पेंट का काम चल रहा है, तो 25-26 तारीख तक वो भी शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली से 5वें नंबर का टोल है दोस्तों ये, के बाद अब जो टोल पड़ेंगे वो टनल्स के आसपास ही पड़ेंगे सारे ना। तो 5वें नंबर का टोल भी दोस्तों कर दिया क्रॉस और साइड में लिखे हैं पैसे, टोटल लास्ट में बताएंगे आपको क्या लगा। तो वीडियो बनाने का मकसद है कि हाईवे की प्रॉपर जानकारी दी जाए, ये बताया जाए कि 4x4 ही गाड़ी चाहिए या 4x2 से भी आप लोग आ सकते हैं। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कहाँ तक रोड ख़राब है, कौन सा रास्ता बेटर है ये भी पता चल जाएगा अगर आप सारे एपिसोड देखेंगे। तो जब हम लेह से दिल्ली के लिए निकलेंगे दोस्तों तो हम उधर का रास्ता भी कैलकुलेट करेंगे कि हमें दिल्ली पहुंचना है वहाँ से कितना टाइम लगा, जिससे कि हमारे भाइयों को आइडिया लग जाए कि भैया कौन सा रास्ता बेटर रहेगा। तो फाइनली दोस्तों हम उस कट पे पहुंच गए जहाँ से हम सीधा चले जाएं तो हम चले जाएंगे आनंदपुर साहिब और राइट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे मनाली के लिए। देखिए नीचे से अगर हम सीधा चले जाएं तो हम आनंदपुर साहिब के लिए चले जाएंगे, धर्मशाला के लिए चले जाएंगे, ऊना के लिए चले जाएंगे। जब हमने ब्लॉग बनाया था धर्मशाला का हम यहीं से सीधे गए थे नीचे से आनंदपुर साहिब होते हुए और अब हम जा रहे हैं मनाली के लिए राइट होकर। तो जो हमने वो एरो सिटी वाले रोड से जब हम चंडीगढ़ मनाली हाईवे से लिंक हुए थे रूपनगर हाईवे से, वहाँ से ये ठीक 65 किलोमीटर बाद पड़ा है कट, मैं आपको बता दूँ तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो 64 किलोमीटर गाड़ी चलाई दोस्तों वहाँ से हमने,
यहाँ तक। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह देखिए, बसेस वगैरह भी रुकी हुई हैं। अब यहाँ से मनाली की चढ़ाई शुरू हो जाएगी हमारी। अभी 1:30 बज गए दोस्तों और 9:00 कुछ मिनट पे हम चले थे, तो रास्ता तो हम ठीक ठाक कवर कर रहे हैं, स्पीड भी हम अच्छी खासी मेंटेन कर रहे हैं जब से हमने चंडीगढ़ क्रॉस किया है। अब आगे आएगा टोल, मिलते हैं टोल पे। तो भैया दिल्ली से ये 6 नंबर का टोल आ गया, तो 6 टोल तो अभी तक हमारे लग गए दिल्ली से, और अभी आगे भी टोल आएंगे। और ये जो टोल है दोस्तों, ये है आपके कीरतपुर मनाली 4-लेन हाईवे के, रिसेंटली पूरा बन के तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है हिस्सा इसका। और अब चढ़ रहे हैं हम चढ़ाई, टाइम हो गया 1:40। तो भैया 60 रुपये की पर्ची हमारी यहाँ कट गई। और भाई से मैंने पूछा क्या मंडी का बाईपास शुरू हो गया, तो उसने कहा हाँ जी शुरू हो गया। देखते हैं मंडी का अगर बाईपास शुरू हो गया होगा तो आपको एक प्रॉपर अपडेट मिल जाएगी मनाली हाईवे की। तो मेरा भाई था जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया मनाली हाईवे की एक अपडेट दे दो, हमें जाना है। तो मैंने उनसे कहा था मैं ले करूँगा तभी कवर करूँगा मनाली। अब तो भाई ये अपडेट है, अभी तक हाईवे में कोई भी बदलाव नहीं है और बेटर हो गया पहले से। तो पहली टनल आ गई दोस्तों, अभी भी इसका सेकंड गेट ओपन नहीं हुआ है, एक ही गेट से आना जाना है। तो दोस्तों पहली टनल क्रॉस। अब देखने वाली बात होगी कि इस हाईवे पे बरसात में कितना नुकसान हुआ है। फर्स्ट टनल हमने कर दी फिलहाल क्रॉस। और टनल नंबर सेकंड आ गई दोस्तों, उसमें थोड़ा सा स्लो चल रहा है ट्रैफिक। ये भी क्रॉस, सिंगल लेन चल रही है अभी, देखते हैं डबल यहाँ पे चल रही नहीं चल रही, या अब 4-लेन शुरू हो गया दोबारा से। तो पहली और दूसरी टनल्स में एक ही रोड चल रहा है आने जाने का, आप लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। तो लाइटिंग इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों कि रात को भी दिक्कत नहीं हो रही बिल्कुल गाड़ी चलाने में, जितने भी कर्व हैं मोड़ हैं वहाँ बिल्कुल भी गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हो रही, इतनी लाइटिंग है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी ये स्पीड में के मीटर है ना, सब वर्क कर रहे हैं। तो यहां से राइट शिमला और लेफ्ट मनाली। टर्न नंबर 4 आ गई है दोस्तों, और टर्न नंबर 3 से टर्न नंबर 4 के बीच में करीब करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो दिल्ली से 7वें नंबर का टोल आ गया है और ये 65 रुपये का टोल है। तो हाईवे की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त बना हुआ है, और मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहाड़ों का हाईवे है, तो मोड़ों पे प्रॉपर लाइट है। ये देखिए आप स्ट्रीट लाइट हैं, जहाँ भी मोड़ होते हैं टोल होता है या कोई कट आ रहा होता है तो वहाँ पे आपका ये लाइट्स हो जाती हैं ऑन। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, हम पहली बार इसको नाइट में ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम रात में गाड़ी चला रहे हैं। बस ये स्पीड वालों का आप पक्का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। तो टनल नंबर 5 आ गई। तो दोस्तों सुंदर नगर का बाईपास ओपन हो गया है। दोस्तों सुंदर नगर का बाईपास हो गया है शुरू, मगर एक ही लेन चला रखी है आने जाने वाली, 4 में से 2 लेन ओपन है वन साइड ही, तो आना भी इसी से है और जाना भी इसी से। बड़ा संभल के चलना दोस्तों क्योंकि आने वालों को कुछ थोड़ा आइडिया नहीं हो पा रहा। तो मैक्सिमम
10 मिनट लगे हैं हमें सुंदर नगर क्रॉस करने में, और देखिए पूरा सुंदर नगर क्रॉस हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट में हमने सुंदर नगर क्रॉस कर दिया, बताओ। और अब आगे आएगा मंडी, और ये हाईवे तो पहले का बना हुआ है, सुंदर नगर मंडी 4 लेन हाईवे। तो देखते हैं अगर मंडी का और खुल गया होगा ना दोस्तों, फिर तो मज़ा आने वाला आज बढ़िया। तो फिलहाल मंडी का बाईपास नहीं खुला है, मगर जब तक आप लोग आएंगे आज से 2-4 दिन बाद मंडी का बाईपास हो जाएगा ओपन। फिलहाल मंडी बाईपास है ऑफ, तो हम सिटी से जाएंगे मंडी। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मंडी। फिलहाल मंडी में हम, अगर मंडी बाईपास चल जाता दोस्तों तो सुंदर नगर की तरह 10 मिनट में जो हमने क्रॉस किया था तो हमारा समय बच जाता। तो फिलहाल मंडी क्रॉस कर रहे हैं, और जो मेन मुद्दा है ना वो मंडी से मनाली के बीच का ये है कि भैया क्या स्थिति है, और कुल्लू से मनाली, तो वो देखते हैं आपको दिखाते हैं। फिलहाल मंडी हमने कर दिया क्रॉस, तो हाईवे है खाली और 100 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई है मनाली की, और 3:05 हो चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या हम 5 बजे तक मनाली टच कर पाएंगे नॉन स्टॉप में, तो आपको बताते हैं देख के। इस जगह हम हैं दोस्तों, यही है आपका मंडी का बाईपास जो निकलेगा यहाँ पे आके, तो मंडी बाईपास आपका यहाँ पे आके निकलेगा मंडी से करीब 4-4.5 किलोमीटर आगे। तो ये अपडेट है भैया, मंडी के आगे रोड थोड़ा सा ख़राब है, जैसे हमने मंडी क्रॉस किया है ये दूसरा कट है जहाँ पे काम चल रहा है और वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, बाकी तो कहीं हमें कोई दिक्कत लगी नहीं। और ये रोड काफ़ी आगे तक ख़राब है दोस्तों, मंडी से आगे रोड ख़राब है फिलहाल, और स्लो भी, और ट्रैफिक टाइम में काफ़ी ज़रा स्लो होने वाली है। जैसे ही आप लोग मंडी को क्रॉस करेंगे तो 5 किलोमीटर बाद अगले 3-4 किलोमीटर थोड़े से ख़राब है। अब रात के टाइम तो भैया हम निकल गए फटाफट क्योंकि ट्रैफिक था जीरो, मगर जब आप लोग दिन में आएंगे ना तो आपको ट्रैफिक झेलना पड़ सकता है अच्छा खासा। उसके बाद बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 3 किलोमीटर मैक्सिमम होगा जो एरिया खराब था। तो दोस्तों हम पहुंच गए फिलहाल पंडो, और ये पंडो वही जगह है जहां से एक बार हम वापस लौट गए थे क्योंकि हाईवे चल रहा था बंद, तो हम पंडो से लौट गए थे वापस। और पंडो से लेकर आगे थोड़ा सा रोड खराब है, 20-25 किलोमीटर था मतलब अभी जनवरी में, तो आप देखते हैं वहां भी क्या स्थिति है। थोड़ी सी आवाज आपको गूंज के आ रही होगी क्योंकि हमने कैमरा अपना चार्जिंग पे लगाया है। ले 512 किलोमीटर दोस्तों, और पंडो क्रॉस करने के 5 किलोमीटर बाद ही ये 4 लेन हाईवे से हम दोबारा जुड़ गए। अब पहला बोर्ड हमने देखा ले का 512 किलोमीटर लिखा है। तो जब हमने लास्ट टाइम ब्लॉक किया था तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया, हम डैम में से निकल के आए थे, तो वो वाला रास्ता हो चुका है बंद और नया रास्ता जिन्होंने बना दिया है, तो वो डैम वाला सिस्टम खत्म हो गया और हम आए थे नए रास्ते से। फटाफट आके हम इस 4 लेन से जुड़ गए। तो हमारे ऊपर से भी 2 टनल जा रही है दोस्तों, और ये भी अभी शुरू नहीं हुई है, उम्मीद थी मुझे कि शुरू हो गए होंगे मगर ये नहीं शुरू हुई। तो फिलहाल ये वाली टनल तो ओपन है भाई, और बाकी में लगेगा अभी टाइम। कीरतपुर साहिब से और यहाँ तक जो टनल संख्या है टोटल 13 है, और जिसमें से 9 टनल्स ओपन हो चुकी हैं।
13 में से 9 ओपन है, 4 टनल का काम चल रहा है, तो टोटल दोस्तों 13 टनल्स हैं मनाली हाईवे पे। मुझे तो आज तक इस टनल का नहीं समझ में आया कि ये टनल इतनी डरावनी क्यों है, आप भी देखिए। तो पूरे रूट की सबसे खतरनाक टनल थी ये, मुझे तो बड़ा डर लगता भाई इसमें। जब से भूतिया टनल हमने क्रॉस करी है, रास्ता देखिए कितना बढ़िया हो गया, हम 60-65-70 तक की स्पीड आराम से मेंटेन कर रहे हैं। 17-18 किलोमीटर कुल्लू रह गया आपका, और फिर वहाँ से लगभग 35-40 के आसपास होगा मेरे ख्याल से मनाली। 4:10 होने वाले हैं। मात्र 37 किलोमीटर दूरी रह गई है अब आपकी मनाली की, और कुल्लू छोड़ दिया हमने पीछे, और लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारे कुल्लू। तो जो हलचल सी एकदम रहती है ना यहाँ पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, बेशक 4:25 का समय हो रहा है, आपको बताना चाहूँगा एक ब्लॉग बनाया था हमने मनाली से शिमला, और हम मॉर्निंग में निकले थे उसमें ना, वही 4:30-5 बजे के आसपास। पूरा कुल्लू शहर चमक रहा था, होटल्स में लाइट जली हुई थी, मगर अब बिल्कुल सुनसान है। इस समय टूरिस्ट नहीं है ना, तो बिल्कुल लाइट ना के बराबर जल रही है और सुनसान सा हो रहा है सारा ना। अब है हम कुल्लू मनाली हाईवे पे, और ये कई जगह से ब्रेक हो रखा है हाईवे ना, देखते हैं कहाँ से है, और ये सिंगल रोड है आने जाने की, मतलब एक ही रोड। तो दोस्तों कुल्लू से हम करीब करीब 15-20 किलोमीटर के बीच में चल चुके हैं, और कहीं से भी रोड अभी तक ख़राब नहीं मिला मुझे कि मैं कहूँ कहीं कटाव हो गया हो या ख़राब है रोड। आने वाले टाइम में स्नो का मौसम आने वाला है, तो अच्छी खासी भीड़ बढ़ेगी मनाली की तरफ। तो कुन्नू मनाली हाईवे अभी 15-20 किलोमीटर तो हो गए हमें, 20-21 किलोमीटर में। चार बज के 52 मिनट का समय हो गया दोस्तों, और 10 किलोमीटर मात्र दूरी है अब हमारी मनाली की, और जो कुल्लू से मनाली के बीच में, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ भी रोड कटा हुआ है और रिपेयरिंग चल रही है। कुल्लू से मनाली के बीच में आपने देखा था ना पीछे कुछ कच्चे रोड बनाए थे, और हमें नीचे नदी में से कच्चे में से निकलना पड़ रहा था, वो भी पक्का कर दिया है। उतना स्मूथ रोड हो गया ना कुल्लू से मनाली के बीच में भी, बढ़िया। अब जो आपको थोड़ी सी दिक्कत झेलनी है वो मंडी से पंडो के बीच में झेलनी है, उसके बाद तो दोस्तों रास्ता बढ़िया है, मतलब ठीक है, एक दो पॉइंटों को छोड़ के रास्ता ठीक है। मगर जो अगर बात की जाए ना मेन पॉइंट की, जिसमें थोड़ा सा आपको जाम भी झेलना पड़ सकता है, तो वो है मंडी से पंडो के बीच में, और वो है 3-4 किलोमीटर का एरिया जो स्लो हो सकता है आने वाले टाइम। दोस्तों अभी पूरे 5 बजे हैं, 2 मिनट हैं और हम मनाली पहुंच गए। पीछे गया एंट्री चेक पोस्ट जहाँ पे एंट्री के पैसे देते थे हम लोग, फिलहाल वहाँ पे कोई नहीं है, बंद पड़ा सारा, और हम हैं मनाली में, और 5 बजने में अभी भी दोस्तों 2 मिनट हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाऊँ टाइम, दिखाई भाई घड़ी, देखिए अब 4:58 हो गए, तो 4:58 का समय हुआ है और हम मनाली पहुँच गए हैं, मतलब मनाली आउटर पे हम आ गए हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद फिर लेह की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इशू दोस्तों ये हो गया कि सारे पंप हैं बंद और हम हैं फिलहाल मनाली, और पंप पता नहीं कितने बजे खुलेगा, और गाड़ी में हाफ से नीचे टैंक पहुँच चुका है। तो 5:02 हो चुके हैं और हम मनाली शहर में से गुजर रहे हैं।
9:37 पर हम दिल्ली से सिंघू बॉर्डर से चले थे और 501 किलोमीटर हमने चलाई ये गाड़ी, और अगर हम मोटा मोटा जोड़ें तो लगभग 7 घंटे 24-25 मिनट में हम नॉन स्टॉप दिल्ली से आ गए। एक ब्रेक लिया था हमने मनाली तक बस, उसमें हमने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया था, और उस ब्रेक के अलावा हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। और दिक्कत मैंने आप लोगों को बता दी क्या है कि हमारा हमें बढ़ना है लेह की तरफ आगे, और कोई पंप खुला हुआ नहीं है, पीछे 2 पंप गए मनाली के दोनों बंद हैं, तो देखते हैं कितना समय लगता है। ऊपर आपको मैं बता दूँ टोल टैक्स आ गया होगा लिखा हुआ, और सिंघू बॉर्डर से जो फिलहाल दूरी है वो 501 है। चंडीगढ़ से हमने आपको रास्ता भी दिखा दिया जहाँ से आपको आना चाहिए, क्योंकि बनूर हाईवे तो फिलहाल बंद है। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल हम आगे, देखते हैं कोई चाय वाय की दुकान होगी तो वहाँ रुक कर चाय वगैरह लेते हैं। अब पूरा मनाली बंद है, देखिए आप पूरा मनाली ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं हमारे अलावा, हम ऐसा लग रहा हम ही हैं बस यहाँ पर ना, और कोई है ही नहीं। तो आप भी नाइट में चल के बड़े आराम से आ सकते हैं, हाईवे में कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि नाइट को तो आसान है गाड़ी चलाना ना दिन के मुकाबले। अब यहाँ से दोस्तों देखने वाली बात होगी कि लेह तक हमें कितना समय लगता है, क्योंकि लेह यहाँ से 400 कुछ किलोमीटर है, और अगर डीजल गाड़ी में होता तो हम सीधे लेह ही निकल जाते। अगर अभी डीजल नहीं है तो मुझे डीजल के लिए रुकना पड़ेगा, या मुझे पता करना पड़ेगा आगे पंप कहाँ है जिससे कि मैं आगे डीजल ले सकूँ। केलोंग में लास्ट पंप बता रहे हैं, और केलोंग यहाँ से 125 किलोमीटर है। तो पूरा मनाली क्रॉस कर दिया दोस्तों, और ना तो कोई मार्केट खुली मिली है ना ही पंप खुला मिला है। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, तो अब कहीं गाड़ी रोकते हैं और आधे घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे ले के लिए। तो ये प्रथम भाग हम अपना दिल्ली से ले का ही समाप्त करते हैं, जो 7 घंटे 24 मिनट में हम लग गए हैं मनाली। और फिलहाल हम मनाली घूम रहे हैं और कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पे हमें गाड़ी लगाने की जगह मिल जाए और हम थोड़ा रेस्ट कर लें। दूसरा भाग शुरू करेंगे दोस्तों मनाली से ले की तरफ। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये प्रथम भाग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा ये भी पता चल गया होगा कि सुबह सुबह ये मनाली बिल्कुल बंद रहता है, जबकि 5 बज चुके हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसकी आगे की सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको अब बिल्कुल रियलिटी बताएंगे आगे हाईवे इसकी क्या है लेह तक की ना। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद दोस्तों। तो 5:30 का दोस्तों टाइम हो रहा है, और ना हम यहाँ फंसे पड़े हैं लगभग आधे घंटे से इस पंप पे। देखिए अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, पूरा मनाली बंद है फिलहाल, और नज़ारा देखिए आप सामने, धूप बर्फ़ देखिए सॉरी सामने, और यहाँ भी 5:40 का टाइम हो गया है। अब ये पंप खुले तो डीजल लें और चलें। अगर हमें पता होता ना मनाली में ये स्थिति है तो हम पहले से डीजल लेके रखते। तो आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ जो हमने पहली बार देखा है, देखिए धूप भी निकल रही है और साथ में चंदा मावा भी दिख रहे हैं हमारे। तो नज़ारे देखिए आप क्या खूबसूरत है यहाँ पे। और हमने तांडी में अभी डीजल ले लिया है, और गाड़ी का डीजल हो गया फुल, और हम भी हो गए टेंशन फ्री, और बढ़ते हैं आगे।